Assalamualaikum, good morning पाकिस्तान, एक खूबसूरत और फ्रेश सी मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने बहुत क्यूट प्रोग्राम लेकर। ज़िंदगी में इंसान की तब्दीली आती है, कभी तब्दीली आती है हालात की वजह से, कभी तब्दीली आती है आदत की वजह से, और कभी तब्दीली आती है जब आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स, नया शख्स शामिल हो जाता है या आपकी ज़िंदगी से कोई शख्स चला जाता है। तो तब्दीली इसी चीज़ का नाम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बचपन में जाते हैं, बचपन आपका लाओ बाली, कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ पढ़ाई की टेंशन, उस टेंशन को सिर्फ बेयर करके आप समझते हैं दुनिया जहान की टेंशन आपके सर पर है। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे और एग्ज़ाम सर पे होते थे, और वो जो एक स्ट्रेस और टेंशन होती थी, वो लगता था कि बस ज़िंदगी में यही सबसे बड़ी टेंशन है और इससे बड़ी टेंशन और हो ही नहीं सकती। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते गए और बड़े होने का बहुत शौक भी होता था कि ओहो बड़े हों तो जान छूटे, अपनी मर्ज़ी से सोएँ, अपनी मर्ज़ी से पढ़ें, अपनी मर्ज़ी से खाएँ पिएँ, हमें नहीं पता था कि बड़े होके होना क्या है। तो हर बच्चे को शौक होता है मैं बड़ा हो जाऊं, बस तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं और मुझे अम्मी की डांट ना सुननी पड़े, मुझे अब्बा की मार ना खानी पड़े। लेकिन ये धोखा होता है सबके लिए, क्योंकि जैसे ही आप बड़े होते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि ये तो वो जो बचपन था आपका, जिसमें आपको सिर्फ अम्मी की, सिर्फ अब्बू की, सिर्फ टीचर की या कारी से आपकी डांट खानी पड़ती थी, अब आपको थपेड़े लगते हैं ज़िंदगी के, अब आपको इर्द गिर्द के बहुत सारी चीज़ों की और डांट खानी पड़ती है, थपेड़े खाने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ऑटोमेटिकली। आप वर्किंग लेडी हैं या हाउस वाइफ हैं, फिर भी आपकी जिम्मेदारियां यहां से वहां पहुंच जाती हैं। फिर मैं मर्दों की बात करूँ अगर, तो कितना मज़ा आता था ना अब्बा के पैसे खर्च करके, हैं बाइक पर पेट्रोल डलवाना और ये वो। फिर अब आपके पीछे पूरी लाइन होती है, पूरा कुनबा होता है जो आपकी, आपको देख रहा होता है कि अब लाओ जी पैसे, लाओ जी सौदा लेकर आएंगे। हाँ, तो एक, बहुत सारे घरों में अक्सर एक लड़का जो है या एक मर्द, वो पूरे कुनबे को पाल रहा होता है। तो ये होती है जिम्मेदारी जो वक्त के साथ साथ आपको मैच्योर कर रही होती है। पहले आपकी हरकतें बचकाना होती है ना बड़ी, हाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, देर से उठना, हाँ भाई छुट्टी कर लेते हैं आज। लेकिन जब आगे, मतलब मुझे अच्छे से याद है कॉलेज की, स्कूल की छुट्टी तो आप कर ही नहीं सकते थे, तो आपका दिल था बड़ा कि कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज की छुट्टी करेंगे, तो ये बंक करें क्लासेस, तो हमने की कॉलेज में, बंक भी की, छुट्टियाँ भी की। लेकिन स्कूल की जो पढ़ाई थी उसकी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर एग्जाम्स में नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे क्लास टेस्ट हो रहे होते थे, तो हम पूरे साल स्कूल की तैयारी कर रहे होते थे। मगर जब कॉलेज सर पर आया तो एग्ज़ाम के नज़दीक जो हमने परेशान, मैं हमने क्या, आपने, मैंने, सब ने, जो हमने परेशान हाल तैयारियाँ की, क्यों? क्योंकि वो गाइडलाइन देने वाले टीचर्स जो स्कूल में होते थे, अब तो आप कॉलेज में बड़े हो गए ना, अब आपने खुद ही पढ़ना है, लाइब्रेरी से नोट्स बनाने हैं, और टीचर ने लेक्चर दे दिया, सुना नहीं सुना, आप लोगों ने बंक किया, कर दिया क्लास। तो वो जो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल लाइफ होती है। इधर एक क्लास इधर लेने जाना, तो एक क्लास उधर लेने जाना, तो उधर भागना, तो इधर भागना, इस पॉइंट में सवार होना, तो ये तो हो गई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात, यूनिवर्सिटी की बात। जब आप जॉब पे लगती हैं या लगते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, उसमें ना आपकी तबीयत ख़राब है तो ना आप छुट्टी कर सकते हैं, उसमें आप कि घर में कोई शादी है या रात को रत जगे हुए हैं तो वो सुबह आप कुछ नहीं बहाना कर सकते, आपको अपना असाइनमेंट जमा कराना है, आपको अपना काम करना है, आपको बॉस को जाके मुँह देना है, आप नहीं छुट्टी कर सकते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। तो जनाब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उम्र के साथ, वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है, वो लड़की जो डेढ़ बजे से पहले उठती नहीं थी, उसको अब ससुराल में सुबह सवेरे उठना है, सबका नाश्ता भी देखना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसके घर में उसके ऊपर नहीं पड़ी थी, ससुराल में तो पड़ती हैं यार। और अगर रिश्ते निभाने हैं, रखरखाव रखना है, तो आपको इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। फिर भी बहुत सारी लड़कियों के अंदर चेंज नहीं आता शादी होने के बाद, बड़े अच्छा अगर ससुराल मिल जाता है तो बड़ी अय्याशी की, ऐश की ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी से उठना, हाँ जी किचन में कोई काम नहीं है, सास खाना पका रही है या फिर हेल्पर्स हैं बहुत सारे। मगर जब आप माँ बनती हैं तो आपने चाहे ज़िंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हो या ना उठाई हो, उस माँ बनने के बाद आपको लग पता जाता है कि ज़िंदगी
चीज, मतलब जिंदगी नाम किस चीज का है, आटे दाल का भाव, वो जो नींद आपको हीरो जो सोने जेवरात से भी ज़्यादा प्यारी होती थी, उस नींद को आप बिल्कुल भी जो है ना वो ख़त्म नहीं करने का सोच रहे होते थे। आपने अपनी नींद पूरी करनी है, आपने अपनी पसंद के खाने खाने हैं, उन सब से आप हाथ धो बैठते हैं ना, आप सही से सो पाती हैं रात भर, और अल्लाह ना करे बच्चे को कुछ हो गया, वो जगा रहा है तो फिर आप रो भी रही होती है साथ, और फिर अपने मोटापे की वजह से ना आप कुछ खा पाती हैं, जो आपका दिल जो आपका हमेशा से होता था ना, वो चटपटी चीज़ें खानी है, वो ये खानी, वो चिप्स के बगैर आपका गुजारा नहीं, तो सब आपको छोड़नी पड़ती है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त अगर मैं सारी माओं को देखूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलाना। शुक्र है आप थोड़े थोड़े स्कूल खुल रहे हैं, तो थोड़ा सा जो हमारा बर्डन टीचर्स ने शेयर किया हुआ था वो हम बांट सकेंगे, वरना माओं के ऊपर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी कि अब ऑनलाइन का भी बर्डन उनके ऊपर आ गया था। बहरहाल आज मैं ये इतना खूबसूरत सेट सजा के, ज़रा मेरा सेट तो दिखाएं फिर मैं ज़रा बात करूँ आगे। जो प्यारा सा आप सेट देख रहे हैं ना, ये एक तब्दीली हमारे सेट पे क्यों आई है। नॉर्मल सेट लगा होता है रोज़ाना, लेकिन आज हमने अपनी सेट पे ये तब्दीली क्यों दिखाई है, उसकी रीज़न ये है कि किसी और की ज़िंदगी में तब्दीली आई है, और उस तब्दीली को हम जब भी किसी के घर में आती है बहुत सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि सबसे पहले तब्दीली आती है जब आपको खबर मिलती है कि आपके घर कोई आने वाला है, नन्ना मुन्ना मेहमान, वो एक आपके घर के माहौल में तब्दीली ले आता है, एक अच्छी तब्दीली। सास ससुर नंदे मियाँ ससुराल वाले, आपके मेके वाले खुश, आप खुद खुश, फिर वो बड़ी मुश्किलों से वो महीने गुजरते हैं, क्योंकि जाहिर है आप नॉर्मल हालात से नहीं गुजर रहे होते। उसके बाद जब वो नन्ना मुन्ना मेहमान या नन्नी मुन्नी गुड़िया आपकी गोद में आती है, फिर एक और तब्दीली आती है। अच्छा, वो अच्छी बुरी तब्दीली होती है, सबका जो रुझान है, सबकी जो इम्पोर्टेंस है वो बच्चे की तरफ चली जाती है, अम्मा बेचारी रह जाती है। अम्मा जो है रात को जाग भी रही है, अपना ख्याल भी नहीं रख पा रही उसको, और कमज़ोर भी है, तो बड़ा डिप्रेशन से भी गुजरती है कुछ सवा महीने। मगर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसका लम्स माँ का और उसका मतलब लाइक आपस में बॉन्डिंग बढ़ती जाती है, तो वो जो तब्दीली है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी तब्दीली है। और वो अल्लाह ताला से हर औरत दुआ करती है कि वो उसको इतना बड़ा दर्जा दे जिसे हम माँ का दर्जा कहते हैं। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दर्जे को, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई 6 महीने, यानी कि वो क्या आजकल बड़ी धूम है इस सेलिब्रेशन की, वो आधा केक काट रहे होते हैं, 6 months मोनोवर्सरी जिसे कहते हैं, 6 months उसको प्रॉपरली कहा जाता है मोनोवर्सरी। तो आज हम वो एक पहली दफ़ा शो पे करेंगे, अक्सर तो मैंने 1 साल का केक कटवाया है या बच्चा पैदा हुआ है तो हमारे शो पे आया। आज मैं पहली दफ़ा एक 6 महीने के बच्चे को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, एक ऐसी पटाखा सी एक्ट्रेस जो बड़े मज़े के ड्रामे में एक्टिंग किया करती थी। आजकल वो मुझे इतना नज़र नहीं आ रही क्योंकि घर में जो इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है ना, मतलब ये भी तो एक ड्रामा है, बच्चे के डायपर चेंज करना, उसको फीड कराना, फिर उसके पेट में दर्द है तो उसकी सिकाई करना, उसको नहलाना धुलाना, उसके कपड़े धोना, उसको तैयार करना, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है हमारी ज़िंदगी का। वो कहते थे ना शेक्सपियर के, हम अपने भाई 7 stages ऑफ मैन, हम हर स्टेज पे एक्ट कर रहे होते हैं, ये दुनिया भी एक स्टेज है, तो ये वाला स्टेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जिस पे हम माँ बनते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये मिठास भरता है आपकी ज़िंदगी में, कोई और रोल इतनी मिठास नहीं भर सकता। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और फिर मिठास ही मिठास होगी हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज होंगी अनम फयाज अपनी फैमिली के साथ और अपने नन्हे मुन्ने नए मेहमान के साथ जिसको हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए जी, एक खूबसूरत जोड़े को उनके बहुत ही क्यूट से बेबी के साथ हम इनवाइट करते। हम कब से अनम को कह रहे थे आ जाओ अपने बेबी को हमारे शो पे लेके, क्यूट से बेबी को दिखाओ, हमें मिलवाओ, लोगों से मिलवाओ। तो अनम जो है इस आस में थी कि जब वो ज़रा 6 महीने का हो जाए प्रॉपरली, फिर मैं मिलवाने आऊँगी अपने सारे फैंस से। तो आइए वेलकम करते हैं अनम फयाज, उनके हस्बैंड असद अनवर, और जी उनके छोटे से मुन्ने का के बेबी जो 6 महीने के हो गए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सालार। आइए वेलकम करते हैं उन्हें। हेलो
सिंगल गवारा है दिल मेरा। सबकी गोदी में आ जाते हैं। तुम कैसे हो? ठीक ठाक। बहुत मुबारक हो मिस्टर सलार, ये सब आपके लिए सजाया हुआ, देखिए तो जरा, आपने हर तरफ देखना होगा। ओहो बलून्स, देखो अट्रैक्ट हो रहा है, सही वक्त पे लाई हो कि इसको पता चल रहा है कि इसके लिए कुछ चीज सजाई गई है। फील करते हैं। हाँ सलार, ये देखे, ओहो सलार, वो बलून्स देखे, मैं पूरा चक्कर दिखा दूँ। अरे वाह, पूरा देख रहा है, ऑब्जर्वेशन तो देखो जरा, पूरा सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है। कैसा लग रहा है? मुझे, मेरे पास वो क्लिप्स ही पड़े शादी के बाद जब आप लोग मेरे पास आए थे, शर्माए शर्माए घबराए घबराए, और अब माशाल्लाह मिस्टर सलार के साथ आ रहे हैं। कौन इसके ज्यादा नखरे उठाते हैं, अब्बा के अम्मा? अम्मा तो अब्बा से पप्पे करने के लिए, खेलने के लिए उठाते हैं। वैसे तो उठाता हूं मैं, बल्कि पूरा घर उठाता है। लेकिन हाँ, पूरा घर ज्यादा लाडले हैं ये पहले हैं, और दूसरे ये कि इनके नखरे जब इनका टाइम पास होता है ना कि यार मुझे खेलना है, प्ले अराउंड करना है, तो ये मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा। जब फीडिंग का टाइम होता है ये मम्मी अम्मा के पास चले जाते हैं। किससे मिलता है जरा सलार पकड़े, मैं और से देखूं। ये अच्छा है ना, हमारे कपड़े ऐसे होते हैं भाई। हां जाए मेरी गोद से भाई, देखा जी, देख के बताएं किससे मिलता है ये, आप बताएं। करें भाई, आप लोग भी मुझे एसएमएस करके बताएं। सलार को गौर से देखिए कि वो अपनी अम्मी की शक्ल है, अपने अब्बू की शक्ल है, या मिक्सचर है, मुझे तो डिसाइड नहीं कर पा रही। अच्छा मैं एक बात बोलूं? हाँ। अभी इनके ना अब्बू आ जाए, मतलब मेरे जो है ससुराल वाले, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये अब्बू में मिलते हैं, मतलब लाइक माय सिस्टर से उनको भी आने दें। हाँ। तो फिर आप बताइएगा कि हम तीनों में से किसे मिलता है। जब ससुराल वाले भी आ जाएंगे सब, तो फिर आप लोगों ने एसएमएस करके बताना है कि जो मोहम्मद सलार हैं उनकी शक्ल किससे मिलती है। आपको क्या लगता है, आपने कुछ बोलना शुरू किया, बातें शुरू की? मम्मा बाबा, मम्मा बाबा प्लीज बैठो, प्लीज इधर आएंगे, इधर आ। भाई कैसा लग रहा है अम्मी अब्बू बनके? पता है नीना, मुझे लगता था कि शादी के बाद चेंज आता है, लोग कहते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो शादी के बाद इतना चेंज नहीं आया था। मम्मा पापा के बनने के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, मैंने फील किया है। हाँ। तो बहुत चेंजेस आती हैं यार, अपना नहीं सोचते आप। हाँ। फिर आपकी सारा जो ध्यान होता है ना वो बेबी की तरफ चला जाता है। हाँ। बस इसी का सोच रहे होते हैं, इसी के लिए ऐसा लगता है जिम्मेदारी है आपके पास। हाँ। शादी के बाद तो फिर भी आप थोड़े रिलैक्स होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अब तो सारा ध्यान इसी की तरफ। जब ये पैदा होने वाले थे तब कितने नखरे उठाए हैं उनके, आपने? भरपूर फुल मूड स्विंग्स और ये सब, सब। कितने दिनों बाद, मतलब लाइक अभी आई थी ये हज के शो पे, लेकिन लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो तुम नहीं बिल्कुल भी नजर आई सही है ना, कहीं भी किसी शो में मैं पूछती रह गई, चलो तुम्हारा बेबी शावर करते गए हो, लेकिन जो है वो सीक्रेटली बिल्कुल हमने रखा था। बेसिकली नखरे तो ऐसे ही थे, ज्यादा फूडी ऑब्वियसली बंदा हो जाता है। हाँ खाती थी बहुत, खाती थी बस रात को 2:30-3 इस टाइम पे मैं गया हूँ लेने चीजें। क्या इस टाइम पे क्या मिला? मतलब कुछ भी क्रेविंग हो जाती कुछ भी मैकडॉनल्ड्स खाना है। हाँ। तो मतलब फास्ट फूड खा लिया, आइसक्रीम खानी है, मतलब वो जो सारी डाइट करते जाते हैं ना हम लोग, मतलब पूरी कसर निकाल सब खत्म था। और मैं कुछ कहती थी ना, मुझे लग रहा है मोटी हो रही हूँ, मेरे जब कपड़े नहीं आते, मैं सब कहती थी तुम खाओ, अच्छा तुम बस खाओ। हाँ। कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लो, खाओ। और मैं खाती थी, सही हो गई। तो क्या जिम किया आपने, थोड़ी सख्ती की? इन्होंने जिम कराया। ये है, यस ये है, ये है। मुझे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी इनके होते हुए, क्योंकि बहुत भगाते हैं, क्या भगाते हैं। अच्छा, इनकी चीजें, इनके कपड़े, जब ये नए नए पैदा हुए ना, तो ये जब रोता था ना, तो सिर्फ मैं नहीं पूरा घर भागता था। अच्छा। और जो कोई देखने आता था तो कहते थे एक बच्चा है, हम कितने रो रहे हैं, दूध बनाओ, एक फिटर धो रहा है, एक कपड़े कर रहा है, एक कर रहा है, मम्मी लेके हिला रही, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, हम सब भाग रहे थे लिटरली। मैं इमेजिन कर रही हूँ वो माहौल, तो कितना मजे का लग रहा होगा। घर में पहला बच्चा था? जी जी जी, मतलब लाइक आपकी बहनों के अभी नहीं, नहीं नहीं, तो ये पहला बच्चा, इसीलिए तो वो वाली दादा दादी की एक्साइटमेंट और वो सारी चीजें। तो अब ये इसका दिल सबसे ज्यादा किसके पास लगता है कि उनकी गोद में जाते ही चुप हो जाए? मैं वैसे तो मैंने किसी एक का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह सबके फेवरेट है, अपने घर में ना माशाल्लाह, अम्मी अब्बू सबके, मतलब सब इनको बहुत प्रॉपर टाइम देते हैं, ऑफिस गए होते तो ऑफिस से आके टाइम देते हैं, अगर ये लेट हो जाते हैं तो कहते हैं हम जाग रहे हैं, आप लोग जब भी बाहर, हम लोग जैसे निकले होते हैं तो कहते हैं हम लोग वेट कर रहे हैं, आप लेकर आओ, इससे इसका एक बार चेहरा देखेंगे फिर सोएंगे। ये है जरा इनके ना, आपके तो बड़े ठाट है,
माशाल्लाह अम्मा अब्बा नहीं, दादा दादी फुप्पो हैं भाई, दीवाने हैं सब तो आपके, आप तो बड़े VIP हैं। इनको पता भी है कि सबके फेवरेट है ना, तो ये रो रो के बताते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ चाहिए तो सबको बताएंगे और सबकी गोदों में जाता है ये। अच्छा असद आप क्या क्या काम कर लेते हैं सलार के? सलार के सलार के पैंपर के अलावा सारे काम। अच्छा अभी तक डायपर पहना नहीं। मैंने इनको बोला एक था, बार कोशिश की थी, इट वाज वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी। वो बहुत ज्यादा टांगे वांगे चलाता है, कभी एक तरफ से खुला था कभी एक तरफ से, तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये तो यूं भाग गया, खाना था ना दोनों टांगे पकड़ के कैसे करना है सिखाया, ये तो बस नहीं उल्टे कर दूंगा, मैंने कहा छोड़े मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए ये हुआ। अच्छा कितनी, मैं अगर ये कहूँ की जैसे इसके सलार के पैदा होने के बाद तो तुमने कितना वजन अपना बढ़ाया? आपको पता है 88 नहीं, मैं बहुत हो गई थी मोटी नहीं, और मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे सूजन का इशू हो गया था। अच्छा। मेरी स्लीपर्स मुझे नहीं आती थी, मुझे नहीं आती थी, मतलब मुझे मेरी आंखें बहुत सूज रही थी, मैं इतनी मोटी मोटी आंखें थी मेरी, बहुत मेरा कंडीशन थोड़ा सा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मुझे बीपी का इशू हो गया। ओहो, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जी, फिर आपका क्या हाल होता होगा? बस फिर मेरा बीपी भी हाई, आप कहीं कल हो जाते होंगे, आप चुप जाते होंगे, हाई बीपी वाली बेगम के साथ बड़ा मसला होता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो अब तुमने इनके कहने पर डाइट शुरू की या खुद से ही अपनी डाइट का ख्याल रखा? नहीं नहीं, वैसे तो इन्होंने मुझे कहा था, इन्होंने मुझे कह दिया था कि आप मोटे नहीं होना, कोशिश करना कि यू नो, और बाकी मुझे भी था कि मुझे वापस भी आना था ना। मैंने अब शुरू कर दिया है काम, फोटो शूट्स कमर्शियल्स, इसमें मैं आ गई हूँ, तो इसलिए मुझे करना था, तो मैंने कहा नहीं बस ये जब मुझे लगा कि अब नाउ यू नो आई कैन डू इट, फिर मैंने शुरू किया। इसलिए मैं इनके काम खुद भी करती हूँ भाग भाग कर। अच्छा। मैं नहीं रखती मासी पे या किसी पे। अच्छा। इसके कपड़े होते हैं मैं खुद धो देती हूँ, तो अभी चीजें खुद कर देती हूँ। इसके लिए कोई भी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं फिलहाल खुद ही कर रही हूँ, रादर देन किसी और के। आजकल आपको पता है कि थोड़ा मेडिकल इश्यूज भी हैं, अभी तो बिल्कुल थोड़ा कॉन्शियस और छोटू है, इस वजह से हम इंडिविजुअली कर लेते हैं। पूरा मतलब घर है तो एक दूसरे की सब हेल्प कर लेते हैं, माशाल्लाह एक आसानी है, ये सबसे अच्छी बात है वैसे पाकिस्तान की फैमिली, ये इस साउथ एशिया की लाइक के कंबाइंड फैमिली है, हेल्प हो जाती है एक दूसरे की, बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल तो बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा है ना ये तो बलून, और ये सब पूरा ऑब्जर्व कर रहा है जगहों को। इसको शौक है घूमने जाने का बहुत, कि हर वक्त वो कुछ बोलना शुरू किया इसने अभी। स्टार्टिंग में था कि जा नहीं सके क्योंकि कोरोना का इशू था, फिर इनको हम जब वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते नहीं था ये रोता था। अच्छा। लोगों को देखता था ना तो हमारे चेहरे नहीं दिखते तो ये रोता था। मैं तो घबरा गई थी, मैं सोशलाइजिंग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब ये पैदा होने के बाद से कितने 6 महीने हो गए तो वही ना, इसको भी वही टाइम हो गया था ना, तो वो फिर बड़े मुश्किलों से हम लेके निकले विंडो शॉपिंग या आइसक्रीम के लिए वॉक पे शाम में, तो ये घबरा जाता चीजों को देख के, लोगों को देख के। फिर इसको मैंने कहा कि आप लोग खुद निकला करो, जब आउटिंग कर रहे हो इसको भी ले जाओ साथ, आइसक्रीम खिलाओ जो भी करना है करो, ताकि ये लोगों से एग्जैक्टली तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जाके अब ये ऐसे हो गए कि ये तकरीबन लेके जाओ एवरी अल्टरनेट डे ही गोस है, अभी हंसी भी आ गई, ऐसा ये समझ रहे हैं कि मैं इनसे बातें कर रही हूं, है ना। बच्चों को बहुत शौक होता है बातें करने का, आपको भी शौक है सलार? आपका नाम तो बहुत प्यारा है, क्या नाम है आपके, मतलब नाम का क्या मतलब है बताएं? सिपा सलार। हाँ लीडर बोलो, लीडर लीडर है या मतलब इसका, या बहादुर है? लीडर लीडर नाम क्योंकि वो ओन करता है ना। हाँ। अच्छा इसका क्रेडिट तो पहले अम्मी को जाता है, मेरी सास। अच्छा। उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था। हाँ। मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था, मैनली नाम है सलार, अनम सलार अच्छा है, तो मैंने मुझे तब से क्लिक कर गया ये नाम। हाँ। उसके बाद बहुत नाम सजेस्ट किए, ये रखते हैं मेरे दिल में एक ही था, मैंने कहा सलार, आई डोंट नो व्हाई सलार, अच्छा सलार, मैंने भी सुना था, मैंने कहा सबको, हां सब वोटिंग फिर सलार पे हुई, सबने कहा कि हां सलार डन है। अच्छा जैसे ये होता है ना कि अक्सर जब पहला बच्चा आता है तो मैके वाले कहते हैं हमारे पास आओ, ससुराल वाले जाहिर है उनका भी पहले घर में बच्चा, तो अब अनम वो कैसे मैनेज करती थी? हमारे अम्मी अबू भी तो कहते होंगे, भाई बहनें भी तो कहती होंगी नहीं, कि यू नो कि मेरी मम्मा नहीं है तो इसकी वजह से तो नानी का प्यार इनको नहीं हुआ, तो इसलिए ज़्यादातर यहीं रहते हैं। वहाँ मामू से मिल लेते हैं, मामू हैं, बाबा हैं, मतलब मेरे पापा हैं, तो उनसे मिल लेते हैं। बहनें कितनी थी तुम्हारी? एक है मेरी, एक बहन है, लेकिन वो पहले यहाँ नहीं थी, वो बाहर थी। अच्छा अच्छा, तो वो अब अभी आई हैं, तो अब हमारा मिलना शुरू, वरना जब मैं प्रेगनेंट
जेन्युइन थी, तो मुझे जरूरत थी लेकिन वो नहीं थी, वो भी बेचारी तड़पती थी, मैं भी तड़पती थी. तो फिर वो आई कि नहीं यार मैं आपसे आऊंगी, तो अब आई हैं बोलो, लेकिन वो फिर चले जाएंगे. तो वो जो नानी की कमी थी वो दादी ने पूरी जी, है ना, है ना. क्या भाई बड़ी लाडियां उठवाते हैं आप, क्या इनके नखरे क्या होते हैं भाई, क्या इनको गोद में सोने की आदत है, हिला हिला के. हाँ ये ऐसे नहीं सोते, वॉक करते हैं या इनको लेके ना, इनको वो सुनना होता है योर माय हनी फ्रॉम शुगर, ये आप गाएंगे या इनको लगाएंगे नाइट की म्यूजिक जो होते हैं बेबी के, वो चलाएंगे तो ये सोते हैं. टेक्नो बेबी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बाद इनको नींद आती है. ये लाइट्स ऑफ हो, शोर ना हो, मतलब हम लोग यूं हो जाते हैं ना कि लाइट्स ऑफ, जैसे टिक कुछ हुआ नहीं, यूं देखते हैं ये एटीट्यूड से ना कि खामोशी क्यों नहीं है. और खाने पीने में तंग करता है अभी बिल्कुल, तंग नहीं करता. अच्छा फूडी है माशाल्लाह. फूडी कौन है आना, मैं क्या, आप हम सब है. अच्छा तो अब वो होता है, तुम्हें तो सारे गाइडेंस मिलती होगी ना बड़ों से कि अब इसको क्या खिलाना है और क्या करना है. ये भी कभी खाना खिला लेते हैं? खिला लेते दूध बना देते हैं फिर. अच्छा. कभी कभी ऐसा होता है ना लेट नाइट मैं जाग रही होती हूँ और मुझे नींद आ रही होती है, तो फिर यही टेक केयर कर लेते हैं. अच्छा अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, फैला रहे ना. नहीं मजा आता है खेलने में अपने बच्चे के साथ, है ना. कैसा कैसा लगता है वैसे अब्बा बनके? बस नई नई इसकी जो एक चीजें आती है ना, ऑल ऑफ अ सडन कुछ करने लग जाता है, या फिर विसलिंग कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट डे ये ट्राई कर रहा है उसको. अच्छा हाँ ये है, कुछ भी आवाजें निकालो ना, दूसरे दिन ये कर रहा होता है, क्लिक कर लेता है. अच्छा ऐसा ना हो कल मॉर्निंग शो होस्ट करना शुरू कर दे. अच्छा फ्यूचर प्लानिंग तो अम्मा अब्बा ना कर रहे होते ना, ऐसी बातें आपस में कर रहे होते, काश ये बन जाए, ये नहीं करो तो हम इसे बनाएंगे. आजकल के पेरेंट्स कहते हैं काश अगर ये बन गया ना हमारा बच्चा तो बड़ा मजा आएगा. तो आप लोग क्या सोचते हैं सलार के बारे में, कि आपकी ख्वाहिश क्या है, कि किस ख्वाहिश? तो ऐसे बेसिकली वो तो हर माँ बाप की होती है. हाँ. कामयाबी की, बच्चों की, औलाद की. लेकिन अभी मेरी तरफ से तो इसको फ्री हैंड है कि जो इसका शौक होगा ना उस पे मैं इसको बोलूंगा कि प्रेफरेंस ज्यादा उसी पे ही है जो इसका शौक होगा, क्योंकि वो उसमें इंसान जो है वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को ग्रूम कर रहा होता है, अपने आप को इंडल्ज कर रहा होता है और बिजी रखता है. होती है प्लानिंग, बट आजकल तो ये होता है कि आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है स्कूल में. इसकी कराई रजिस्ट्रेशन तो अभी से हमने वैसे डिसाइड कर लिया है एपीएस में इंशाल्लाह. अच्छा आर्मी पब्लिक स्कूल में माशाल्लाह, तो वहाँ तो रजिस्ट्रेशन का चक्कर इतना नहीं होगा. लेकिन ये कि हमारी जरा बात है फैमिली में, मेरे ससुर की, मेरी नंद की है, तो उन्होंने कहा है कि आप डन, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा तो पहले से है इनका. अच्छा भाई नाम भी सही, अम्मा ने सलार रखा दादी ने. हाँ और अब जो है ये आर्मी पब्लिक स्कूल में जाएंगे इंशाल्लाह, जबरदस्त. अच्छा भी क्या चेंजेस तुमने आई, हम तुम जिक्र कर रही थी कि शादी के बाद इतनी चेंजेस तुमने अपने अंदर महसूस नहीं की, लेकिन सलार के बाद तुम्हारे अंदर किस किस्म की चेंजेस आई? एक तो ये कि बहुत सब्र आ गया, बहुत पेशेंस आ जाता आपके अंदर ना. बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं और आप अपने आप को नहीं देख रहे होते. बहुत कुछ ना मैं इग्नोर कर देती हूँ बहुत सी चीज़ों को, जो आप अपने लिए होता है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा. अब मैं इसको इसके बारे में सबसे पहले सोचती हूँ. मैं काम पर होती हूँ, कहीं भी होती हूँ, मैं पहले इसके बारे में सोचती हूँ. शॉपिंग कर रहे होते तो इसके बारे में सोचते हैं. तो ये वाली अपने कपड़े वगैरह पीछे हो जाते हैं, सबसे पहले मैं कहती हूँ इसके लिए तो लें, ये है जबरदस्त. तो अब क्या करोगी, थोड़े से और बड़े होंगे तो ड्रामों का इरादा है? जी 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 बिल्कुल, ये थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर मैं सीरियल शुरू करूँ. अच्छा मिस करती हो काम को? मिस करती हूँ, है ना. मिस करती थोड़ी, ये कुछ है ऐसी सीन, क्या तो है, नो डाउट. और फिर जब मुझे फोन आ रहे होते हैं ना, मुझे आप शुरू कर, अच्छा नवंबर तक कर लीजिए ना, थोड़ा सा आदत डाल दीजिए, तो मुझे इतना क्यूट लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे याद रखते हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, तो फिर मेरा भी दिल करता है कि नहीं यार फिर मैं कंटिन्यू करूं. और जब फैमिली सपोर्ट होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अच्छी बात है. अच्छी बात मुझे तो मेरी अम्मी ने कहा, जो मेरी सास है, उन्होंने मुझे कहा कि आप कर लें कि आपके बेटे को अब इसे पता हो. तो मैंने कहा नहीं अम्मी, ये कि मैं थोड़ा बहुत शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि अम्मी संभाल लेती हैं. ये सबसे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से अम्मी के पास, नंदो के पास बहुत इजीली रह लेता है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं. एक छोटा सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद पूरी फैमिली है भाई सालार के, जो नखरे उठाने वाले दादा दादी फुफो है वो सब आए हैं, और एक हम मिल के सेलिब्रेट करेंगे आज क्या कहते हैं
सिक्स मंथ पूरे होने के बाद मोनोवर्सरी कहते हैं इसे, है ना, एक महीना कंप्लीट होता है, तो वो सिक्स मोनोवर्सरीज हो चुकी हैं और आज हम सब मिलकर ये खुशी सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद। रहे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अनम और असद जो हैं अपने बहुत ही प्यारे से क्यूट से बेटे मोहम्मद सलार, जो कि वो उनको लग रहा है कि भाई उनका अपना घर है, मजे से वो लेट गए हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं अपने फेस्टिविटी को जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इनकी बकिया फैमिली जिन्होंने क्या कहते हैं सर आंखों पे बिठाया हुआ है सलार साहब जो VIP बने हुए हैं, उसका क्रेडिट जाता है जी दादा दादी और पप्पू को। तो आइए फैमिली कंप्लीट करते हैं और बुलाते हैं शाहिदा अनवर जो कि अनम की सास है, मोहम्मद अनवर साहब जो कि अनम के और असद के अब्बू हैं और अनम के ससुर हैं, और जवेरिया अनवर जो कि अनम की बड़ी नंद है। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। माशाल्लाह रौनक घर की वो तो वो मजे में है भाई, बोलो ये तो मजे फुल रिलैक्स होगा ना, तो फुल रिलैक्स फील एट होम जी। तुम्हारा शॉट कैसे लेंगे भाई, तुम्हारे पैर आएंगे उधर सलार अपना मुंह उस तरफ देख रहे ना, अब देख रहे हैं और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह आपके घर की रौनक। वो जो कहते हैं आसर से सूद ज्यादा, सबसे बड़े हैं आसर घर में सबसे बड़े, और माशाल्लाह फिर सबसे पहले भी खुशी लेकर आए। तो जब ये आए आप लोगों की गोद में, आए आपके हाथ में, आप लोगों की कैसी फीलिंग थी? अल्लाह का शुक्र, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह होता है ना कि लाइक। अच्छा ये अब सच से आप बताएं, आपको क्या देख के लगता है कि ये किससे मिलते हैं सलार की शक्ल, अम्मी से ज़्यादा मिलती है अब्बू से या आप लोगों में से किसी से मिलती है? जी 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 सबसे इसकी क्वालिफिकेशन में इनसे मिलती थी। अच्छा जब पैदा हुए हाँ, अच्छा सब करते हैं इनके जैसे, फिर ऐसे ऐसे कभी असद जैसे, अभी अनम से भी बहुत मिलता है। अच्छा रंग बदलते रहते हैं थोड़े थोड़े दिनों में, हमें इसकी जो तस्वीरें हम डालते हैं ना तो जो कभी मेरी दोस्त है वो देखती, कभी कहती भी बिल्कुल असद लग रहा है, कभी कहती बिल्कुल अनम लग रहा है। अच्छा वैसे अनम जो है ना, अनम ने कहा कि अभी आप इनके दादा को देखेंगे तो आपके दादा की भी झलक आएगी। क्या खुदा की कुदरत है ना वैसे की मिक्स सबकी झलक ले रहा है, इसकी छोटी वाली फुफ्फू है ना उससे भी मिलता है। अच्छा अच्छा उससे भी मिलता ये है। वो हर महीने बाद बच्चा जो है ना वो चेंज हो जाता है, शक्ल चेंज करते। तो ये आपसे कितना इन्वॉल्व है? ये बहुत इन्वॉल्व है हाँ, जब काटना होता है तो ये मेरे पास इनसे ये इनको काटते हैं नोचते हैं, ये अपनी मोहब्बत ऐसे दिखाता है। और सबसे मुझसे ज्यादा ये अपनी छोटी फुफ्फो से अटैच है। अच्छा उसके पास वो भी जाता है हाँ, हाँ, ओह सब सब जाने पहचाने लोग आ गए, अब तो वो के सलार की ना ऐश हो गई है। आए हैं तो ऐसे देख रहे थे गुब्बारों को, ये वो जैसे बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, आदत है इसकी, आदत है ना। जब ये घर में अलग अलग कमरे भी चेक करता है कि ये कौन से कमरे में आया हूँ और हर चीज देखता है। अरे वाह, तो ये इनके कमरे में ये रात में सोता है सारा हाँ। दिन मेरे पास होता है। अच्छा। तो अगर कभी मेरे पास सोना पड़ जाए ना तो पूरा कमरा चेक करता है कि ऊपर LED लगी है कि नहीं। अच्छा इसके कमरे में LED मतलब मेरे पोर्शन से ऊपर जाता है तो इसको पता है कि ये मैं ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा और नीचे आता है ना तो ये देखता है, मतलब नोट करता है, इसको अपने बेड का पता है, अपने बेड पे नहीं सोता, 12 बजे के बाद इसको अपना बेड चाहिए। अच्छा इसको ये फील करता है, इसको पता है कि ये नहीं है मेरा बेड, ये नहीं है मेरा रूम। हाँ भाई जबरदस्त भाई, और 12 बजे के बाद ये इसको अनम चाहिए होती है। हाँ। अच्छा आपका रूटीन कितना चेंज हो गया सलार के इस दुनिया में आने के बाद? बिजी हो गई हाँ, बहुत सारे काम बढ़ गए ना, हमारा दिल नहीं लगता जब ये आता नहीं। अच्छा जैसे कहीं निकले में बाहर घूमने बता रहे थे आप लोग, कहते हैं हम जाग रहे हैं, हम एक देख कर फोन कर करके बुलवा रही होती है ये के भेजो जल्दी भेजो ये। अच्छा यही काम करते हैं जब अनम जब मैके जाती हैं फिर क्या होता है, फोन और अनम कब आ रही हो कब आ रही हो, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है, जल्दी आ जाती हैं
वैसे हम लोग वेट कर रहे होते हैं, इतना इसको तंग नहीं करते हैं फोन करके, वैसे ये आ जाती है टाइम पे। अच्छा ये टिकता नहीं है ना कहीं। हाँ इसको आदत है ना, जैसे ये यहाँ आके देख रहा था तो फिर इसको यही आदत है। मैं आप सब लोगों से ना कोई सवाल करने वाली हूँ, क्योंकि जिंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं जब कोई और मेहमान आता है घर पे, और ऐसा जिसके इंतजार में सब बेताब होते हैं कि भाई कब आएगा कब आएगा। तो ये मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आपसे मैं सवाल करूँगी, ये आपके लिए, इसमें एम और डी है, यानी कि हमने आपसे सवाल ये करना है, ये आपके लिए मैं आप लोगों से सवाल करूँ, आप तीनों से सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो सवाल मैं कर रही हूँ उसमें ज्यादा जिंदगी में चेंजेस मम्मा के आए हैं कि डैडी के आए हैं। ओके, तो उसमें एम ए और डी है, तो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है, आप देख रहे हैं कि भाई असद की जिंदगी ज्यादा चेंज हो गई है या अनम की जिंदगी में ज्यादा चेंज आए, या आप तीनों ऑब्जर्व करें, तो दूसरे होते हैं वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है। पहला सवाल, सलार के आने के बाद से किसका रूटीन ज्यादा चेंज हुआ है, मम्मी या डैडी? देखें मम्मी, ये अच्छा है मम्मी। असद की रूटीन वैसे ही, उनके इतना बदलाव नहीं आया? ज्यादा नहीं। हाँ, वैसे ये दोस्तों में भी जाता है, नींद भी पूरी करता है, नींद भी पूरी करता है, दोस्तों में भी जाता है, फिर जॉब भी है, लेकिन इसको भी पूरा टाइम देता है, इसके लिए बहुत अच्छी तरह बैलेंस, घुमाने फिराने जाते हैं, कहीं आउटिंग पे चले। आप लेके जाते हैं इसको कभी पार्क में टहलने? अभी नहीं, अभी छोटा है ना। हाँ। तो थोड़ा ये कोरोना का मसला था। हाँ। उसकी वजह से, लेकिन आगे की ना प्लानिंग होती है ना दादा दादी, वो तो है। हाँ। वो तो पक्की प्लानिंग है कि कहाँ इनको घुमाना, फिर ट्रैम में ले जाना है मुझे, और वो सबके शौक होते हैं ना, इसको लिटा दे, इसको भी लिटा, जैसे कम्फर्टेबल है ना वो, वैसे उसको पता है उसकी बातें हो रही है। और वैसे ये तो बड़ा मगरूर हो जाएगा, तो ये तो इतनी इसकी लाडियां हर तरफ उठाई जाएंगी। अभी तो ये तो एटीट्यूड वाला बच्चा होगा। अभी से है। ओके, दूसरा सवाल, सलार को लेके ज्यादा पोजेसिव कौन है? डैडी। अच्छा, कोई 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 ऐसी मस्ती जिसका आप लोगों ने रिकॉर्ड लगाया हो बाकायदा, असद का वो ना घर वाले सारे मिलकर रिकॉर्ड लगाते हैं, असद हमने भी बच्चे पाले हैं, वो हम रोज कहते हैं, रोज कहती है, रोज छुकाई हो रही होती है इसकी। तो ये किस पे ज्यादा, अक्सर ऐसा बच्चों की मालिश होती है तो अब्बा जो है उसमें परेशान होते कि ये मालिश तेज हो रही है या क्या, उस किस में आपको परेशानी होती है? नहीं, इसको ना इस जरा सा ये रोता है ज्यादा। हाँ। जब इसको परेशानी होती है तो ज्यादा देर रोता है ना। हाँ। उलझन होना शुरू। हाँ। अच्छा, कि क्यों रो रहा है उसको? हाँ। नहीं करो ये। इसको परेशानी बहुत होती है। अच्छा है, आंतों के लिए अच्छा होता है, रोने से आंतें बढ़ती है, भाई यही कहते हैं बड़े बुजुर्ग। लेकिन जो जब रोता है ना, चुप अनम करवाती है। अच्छा, उनको उलझन हो रही होती है, चुप करवाती है, इतनी वो नहीं होती। यही अगला सवाल भी मेरा यही था कि सलार को रोने पे सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा मां? वैसे मैं बताऊंगी, ये मुझे बोल रहे हैं लेकिन मैं एंड में अम्मी को दे देती हूँ। जब वो नहीं समझता, अम्मी ही हैंडल करती है। हाँ, जब वो के सो जाते हैं तो अम्मी ही, फिर अम्मी के पास जाता है। हाँ, तो ये पहले दिन से मेरे पास ही। अच्छा, अभी ये तो माशाल्लाह 6 महीने के हुए हैं, तो जब असद छोटे थे, असद ने आपको ज्यादा तंग किया या सलार ने? उसने बहुत तंग, असद ने तंग, ये भी रोते थे पूरी रात जागता था। ओए होए, मम्मी किससे सुनाती रहती है? दिन में सोता था, रात को जागता था। अच्छा, क्या आदत ऐसी है असद की जो बिल्कुल सलार वही करते हैं? आप कहते हो अरे ऐसे सोता था असद भी, या मतलब लाइक कोई ऐसी कोई चीज है जो गुस्सा? हाँ, इनका अभी से गुस्सा है इनके। आप बोलते हैं फीडर अगर हम चेंज करते हैं ना, इसको जो पीनी है इसकी वही है। अगर नई फीडर होती है, इसको देखता है तो फीडर भी निकालता, दूध भी फेंक देता है। मतलब ये क्यों, वही अगर धुलने में ये भी नहीं जी, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। इनको बताना पड़ता है, दो दिखा के आप कौन से लेंगे, ये चूज करते हैं, फिर वो ही देते हैं। मुझे लग रहा है आप अनकरी मेरे शो पे आने वाले हैं अकेले खुद, क्योंकि ये और इनका फीडर जो है ना, महीने डेढ़ महीने के बाद नया लाना पड़ता है। अच्छा, खूबसूरत खुद ही एक्सपायर कर देते हैं, फेंक देते हैं, फेंक देते हैं, मेरी बस हो गई है। वैसे तुम सही मजे की एज पे इसकी लाए हो, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर पा रहे हैं, वरना वो छोटा सा तो हम क्या बात कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, बड़े होने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि सलार के नखरे ज्यादा कौन उठाएगा जब ये बड़े हो जाएंगे, मम्मी की डैडी?
रेडी स्पॉइल करेंगे. मैं कहती हूँ इनको कि स्पॉइल चाइल्ड नहीं चाहिए मुझे. स्पॉइल करेंगे. ओके सलार, वैसे ये तो जवाब आपने दे दिया, लेकिन अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स देंगे तो ज़्यादा सलार दिखने में अपनी अम्मी जैसा है या अपने अब्बू जैसा है, अगर आप पॉइंट्स देंगे? आजकल हाँ, मतलब अभी तक शक्ल से ना. अच्छा, आपकी सास को लगता है कि मम्मी जैसा है और जो नंद है और ससुर है वो कह रहे हैं डैडी जैसा. चले हिसाब बराबर हो गया. हाँ हिसाब बराबर. हाँ ओके, बड़े होने के बाद आपको क्या लगता है कि सालार पे ज्यादा रोप, मतलब डिसिप्लिन कौन रखेगा, उससे थोड़ा रोप कौन दिखाएगा, मम्मी के डैडी? डैडी मुझे ना जब बच्चे रो रहे होते हैं या बदतमीजी कर रहे होते हैं, माँ ही नहीं बोलती ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना. मैं अभी से उसको कहती हूँ, मैं अभी से सिखाऊंगी उसको. दूसरों का दिल जाता है, चुटकी नोच ले. मुझे बहुत गुस्सा आता है. मैं तो अपने बच्चे को ये नहीं करने दे सकती कि कहीं बैठे हो तो आप किस तरह आपको बैठना है, चाहे वो छोटा हो. मैं अभी से उसको नो सिखा रही हूँ. बच्चा होना चाहिए. एग्जैक्टली. जैसे आप कभी किसी के घर मेहमान बन के गए, आपका बच्चा सारे डेकोरेशन पीसेस स्टॉक. नहीं निदा, आप एग्री करेंगे, हम तो आंखों से ही हो जाते थे ना, मम्मा की आईज से तो हम ही हो जाते थे जी. तो इनको तो अभी, हम तो बड़े शरीफ बच्चे थे. आपके बच्चे भी ऐसे ही थे? नहीं, मेरे बहुत शरीफ. अच्छे बच्चे. मैं कहीं भी ले जाती थी, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि बच्चे ये चीजें छेड़ेंगे, ये चीजें आराम से. ये बड़ा नेमत है भाई. अच्छा, सलार को पढ़ाई में कौन फ्री हैंड देगा कि बस हाँ हाँ कोई बात नहीं, नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो सही है, और कोई बात नहीं पढ़ लो बस. वो मुझे लगता है कि हम दोनों ऐसे नहीं है. तुम लोग नहीं पूछ रही मैं ये लोग ही बताएंगे. अच्छा, तुम लोग क्या? हाँ नहीं, मैं एजुकेशन में मैं सख्त हूँ. मैंने अपने बच्चों को खुद देखा है ना. आप सख्त हैं ये. अच्छा, एजुकेशन में तो पाइप लेके बैठी हुई. ओए बाप रे. तो आज माशाल्लाह फ्री हैंड ये देते थे. हाँ, फ्री हैंड तो मैं देता हूँ. फ्री हैंड. अच्छा, फ्री हैंड भी जो इनको इनकी जरूरियात होती हैं उसमें पूरी सपोर्ट करना. अच्छा, सख्त ये है कि भाई ये अगर आपको ये फैसिलिटी मिली है ना तो इसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए. तालीम पे कम्प्रोमाइज नहीं. सलार के लिए घर में फ्यूचर प्लान अभी से कौन ज्यादा बनाता है, मम्मी के डैडी? मम्मी डैडी. अभी भी सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं. अच्छा, सालार का मिजाज एक्चुअली ज़्यादा किससे मिलता है, मम्मी से कि डैडी से? हाँ ये तो है. डैडी से. हाँ, गुस्से में रोता है बहुत. नहीं, चीज़ फेंक देता है. हाँ फेंक देता है. और इसकी भी यही आदत है, हाथ मारता है ऐसे. ओए होए, ओए होए, ओए होए. मूडी है, मूडी है. मेरा सारा गुस्सा यहाँ चला गया, अब नहीं आता. ये भी ऐसा ही था. हाँ, ये भी ऐसा ही था. ये भी जब छोटे थे. छोटे थे तो बस ये. अभी भी इसको गुस्सा आता है, अभी भी गुस्सा आता है. अनंत, तुम्हारी कौन सी आदत तुम्हें लगता है कि सलार में एक्टिंग बहुत अच्छी करता है? ये ना रोने की ऐसी एक्टिंग, आंसू नहीं आ रहे होते ना, बहुत एक्टिंग करता है. मतलब बहुत सारी चीजों से हम पकड़ते हैं कि अच्छा ये कर रहा है. छोटा सा था तब एक्टिंग करता था रोने की. तब मैंने बोला ये बोल के परेशान होती यार, ये रो रहा है रो रहा है. मैं इसके पास जाता था, एक्टिंग कर रहे हो, चुप हो जाओ. ये हंसने लग जाता था. ये अभी भी ऐसे करता है. अच्छा, जैसे गुट्टी किसने चटाई दी, उतना शहद चटाते हैं गुट्टी? गुट्टी अब्बू ने चटाई. दादा ने. वो कहते हैं ना कि जिसका मिजाज जो है ना वो आपको चाहिए होता है कि भाई ऐसा मिजाज हो. तो अब्बा कूल माइंडेड है जी. तो आप लोगों ने इसलिए कहा भाई गुट्टी आप ही चटाएं. कौन कूल हूं मैं, है ना. मेरा जब तीसरा वाला बेबी हुआ ना तो सबसे करीब उस वक्त सबसे पहले यासिर था. तो उसने किसी को गुट्टी चटाने नहीं दी, उसने गुट्टी उसको चटा दी. अब दोनों लियो हैं, यासिर भी लियो. और कहते मैं तो गुट्टी चटा के फंस गया, क्योंकि एक घर में वाहिद वो है जो अब्बा को कोई कोई बोलने वाला है, क्योंकि और तो कोई नहीं बोल सकता. लेकिन वो तो भाई जरा सा अब्बा ऊंची आवाज में मुझसे बात करते तो कहते हैं 5 साल का है अभी. चलो माशाल्लाह, तो मेरी मम्मा को कुछ नहीं कहना. बहुत अच्छा. तो ये कभी कभार फायदा होता था गुट्टी चटाने का. अच्छा, अब अक्सर होता है ना जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माशाल्लाह लोग देखने आते हैं, वो थोड़ी नज़र भी लग जाती है. तो इसकी नज़र जब कौन उतारता है, आप लोगों के घर में है ये थोड़ा सा नज़र उतारना? अब्बू ही है. वाह भाई, हर जगह तो अम्मा होती है. रोज होता है. कैसे उतारते हैं आप नज़र? बस अलहमद शरीफ कुल अल्लाह. अच्छा, ये सारी सूरतें पढ़ पढ़ के घूम देते हैं. अरे माशाल्लाह जबरदस्त. अच्छा, इसका ये डेली रूटीन में है. अच्छा, डेली नज़र उतरती है. बेस्ट चीज हो जाती है ये, डेली रूटीन में है. बच्चों को तो वैसे ही डेलीकेट होता है.
लगते लगती है जल्दी, अपनी भी लग जाती है बच्चों को, तो कभी प्यार आ जाए, कभी अच्छा कोई कपड़ा पहना हुआ, अपनी भी लगती होगी क्योंकि बाहर तो इतना जाता जाता नहीं है, कभी कभार वो ही होता है। अच्छा तो इसको तैयार करने का शौक आप सब में सबसे ज्यादा किसको है? सबको ही है, सबको ही है, सबको ही है, सभी कपड़े निकाल रहे होते हैं कि किसी तरह इसको कुछ अच्छा सा, और जो भी जाता है शॉपिंग खत्म नहीं होती है, अभी शॉपिंग खत्म नहीं होती है, एवरी नाउ एंड देन गई है तो कुछ ना कुछ इसके लिए आएगा। अच्छा ये लाजमी है, लाजमी हो गया एक्चुअली। आप दादा दादी को कौन से कलर्स में देखना पसंद है अपने पोते को? मैं तो हर कलर में, लाइट कलर में मुझे ज्यादा लाइट कलर, अच्छा, मुझे शाइनी कलर अच्छे लगते हैं, जैसे गोल्डन गोल्डन सिल्वर सिल्वर, येलो येलो, ब्राइट कलर, खूबसूरत हो बच्चा। और आप लोग अच्छा कुछ हम आपकी तो बातें कर रहे हैं, ये लो उनसे वो ये ले लो, उससे स्पॉइल नहीं हो रहा ना वो, ये ले लो, फाड़ नहीं पा रहा बेचारा, कब से लगा उसको वही चाहिए भाई, वो जो मजा उसमें है ना वो और नहीं है। ग्रीन वाला दे, तुम लोगों किस तरह के कपड़ों में कलर्स में अच्छा लगता है? मुझे भी मतलब अच्छे खिलते हुए कलर्स, ब्लू कलर्स मैं ज्यादा लेती हूँ क्योंकि बॉय है यू नो, बाकी अच्छे खिलते हुए रेड ब्लू ऐसे कलर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं। वाह जबरदस्त, एक छोटा सा बकवा ले रहे हैं, आज हम मोहम्मद सालार की जो है 6 महीने के हो गए वो सेलिब्रेशन आप सबके साथ कर रहे हैं। अनम फयाज आज अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद हैं, ससुराल वाले, मुझे बड़ा मजा आता था अपने मैके के साथ, तो सब बच्चियां आती हैं लेकिन तब ज़्यादा खुशी होती है जब अपने ससुराल के साथ आती है, हैप्पीली मैरिड होती है माशाल्लाह, और कुछ ही दिनों में फिर आपको ये स्क्रीन टी वी स्क्रीन पर दोबारा नजर आने लगेंगी क्योंकि इतनी अच्छी मॉरल सपोर्ट इनके साथ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज अनम फयाज अपने हस्बैंड असद और सास ससुर और नंद के साथ मौजूद है, और हमारे जो वीआईपी गेस्ट हैं आज के शो के भाई वो तो मोहम्मद सालार साहब हैं, जो कि हर तरफ जिनका नाम लिखा हुआ है, हमने बकायदा एक एक्टिविटी जो है ना डिज़ाइन की है दादा दादी फुप्पो और मम्मा डैडी के साथ। सलार आपने अब मेरी गोद में आ जाना है, सलार पढ़ते क्या आप हम करने वाले हैं, हम ये बलून्स देखेंगे भाई, सलार ये देखो बलून्स है सारे। अच्छा भाई टीम जो मॉम डैड है वहाँ ब्लू कलर के बलून्स पेस्ट करने हैं, टीम फुप्पो अकेली है, आई एम सॉरी दूसरी फुप्पो नहीं आ सकी, मैंने आपका साथ देना था लेकिन मैं सलार को बेबी सेट करूँगी इस वक्त, और आपने पिंक वाले बलून्स जो हैं वो उससे सलार का नाम कंप्लीट करना है, और दादा दादी ने ग्रीन वाले बलून से, देखते हैं कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है, कौन सबसे पहले सलार का नाम कम्प्लीट कर पाता है। और अब मुकाबला शुरू हो गया है पूरी फैमिली के दरमियान, सलार देखते हैं कौन जीतता है, रेडी गेट सेट गो। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के, दिल सीधा सादा है मुश्किल इरादा फैसला करो, सलार आप बताओ सबसे अच्छा नाम आपका किसने लिखा है भाई, स्क्रीन पे दिखाए जरा, हम स्क्रीन पे देख के फैसला करते ना। चले भाई जब फुप्पो का वो खाली इस तरफ आ जाए सब लोग ताकि हमें सबके नाम नजर आए। यार सबसे अच्छा, अब जरा बाबा डैडी का दिखाएं, कट करें जरा और लॉन्ग करें ना, लॉन्ग करें, लॉन्ग पे जाए, सबसे बुरा मम्मा डैडी ने लिखा सबसे बेस्ट पप्पो ने रखा है भाई, क्या कहती है मेरी टीम? देखो भाई सलाड सबसे प्यारा जो है आपका नाम वो पप्पो ने, और पप्पो है विनर इस गेम की। ओह
चलो भाई अगली एक्टिविटी करते हैं। सलार पप्पू के पास जाओ, बाल नहीं खींचना बेटा, बहुत कुछ खुल जाएगी बात। ओके नेक्स्ट, सॉरी मैं आप लोगों को बिठाऊंगी अभी जरा इस ब्रेक के बाद, तो फिर वो फिर हम शिफ्ट करेंगे इधर। अब मैं कुछ सवालात हैं जो हमने असद से अकेले में पूछे और कुछ सवालात हमने अनंत से अकेले में पूछे। आप लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता, लेकिन आप लोगों के जवाब हमें हमारे पास लिखे हुए हैं। असद आपसे शुरू कर, ठीक है? अगर अनम का प्राइस बॉन्ड निकल जाए तो सबसे ज्यादा वो कहाँ पैसे खर्च करेगी? ऑप्शन भी दे देती हूँ, ऑप्शन भी दे देती हूँ। घर पे पैसे खर्च करेगी या सलार पे? सलार पे। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्या करोगे तुम, प्राइस बॉन्ड निकल आए इतना क्या खर्चा कर दोगे बेचारा छोटा? मैं तो बस ले आऊंगी कुछ ना कुछ, बहुत कुछ ले आऊंगी, बहुत कुछ। ओके हाँ, वैसे आप बताइए दादा, फजूल खर्च है कि किफायत चार है? नहीं क्या कुछ बोल नहीं सकती, तीन महीने से हम तीनों में एक साथ ही करते हैं शॉपिंग, इसलिए मैं नहीं बोल रही। शॉपोहॉलिक जी, अम्मी भी हैं। अच्छा, इन लोगों को फोन करके बुलाना पड़ता है कि आ जाओ भाई आ जाओ, मम्मी को भी और घर आ गए हम लोग, ऑफिस से घर आ गए, आ जाओ मेहरबानी, बस शॉपिंग खत्म भी कर दो। ओके नेक्स्ट सवाल आपसे, किसी दावत में जाते हुए अनम का खुदा ना खास्ता इस्तरी करते हुए ड्रेस जल जाए तो क्या करेगी अनम? ऑप्शंस, जाने का प्लान जो है वो कैंसिल कर देगी या फिर कुछ और पहन लेगी? कोई मसला नहीं, कुछ और पहन लेगी, कैंसिल नहीं करेगी, कुछ और पहन लेगी। हाँ। नहीं ऐसा तो नहीं, अनम ने तो कहा मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं जाने का प्लान ही कैंसिल कर दूंगी। अब अनम चेंज हो गई, उसने कह दिया बच्चे के बाद मैं चेंज हो गई, मैं नहीं जा रही भाई। ओके हाँ, उसने साफ बोल दिया। ओके अच्छा, अगर अनम की सेट पे किसी से लड़ाई हो जाए तो अनम क्या कर, एक मिनट में कहाँ गया कार्ड मेरा। हाँ अच्छा, अगर अनम की सेट पे किसी से लड़ाई हो जाए तो घर जो है वो नॉर्मल मूड में आएगी या मूड ऑफ होगा? मूड ऑफ होगा इसका। सही जवाब, सही जवाब। वैसे ऐसा कभी हुआ है लाइक इससे पहले, आप सबसे ही पूछ रही हूँ कि जैसे इसकी शूटिंग पे कोई प्रॉब्लम हुई हो फिर घर आके आप लोगों को सबको पता चल गया हो कि? नहीं, मुझे ही पता चलता है, अम्मी अब्बू को इतना ज़्यादा ये नहीं पता चलने हाँ। देती, और उसके बाद ये कि मैं इनको ठीक कर देता हूँ। अच्छा मेरी कोशिश होती ठीक करने। ओके अच्छा, अगर किसी तकरीब में जाते हैं आप लोग तो अनम लोगों में क्या नोटिस करती है? कपड़ों में इंटरेस्ट लेती है या खबरों में? अच्छा, किसकी किससे मंगनी हो रही है? अच्छा कपड़ों में। सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल। अगर अनम से कोई मशवरा मांगे तो वो अपनी सोच के मुताबिक मशवरा देती है या फिर उस बंदे के हालात के मुताबिक मशवरा देती है? अपनी सोच के मुताबिक। सही 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 जवाब, काफी जानते हैं भाई। ओके अब बारी आ गई अनम, तुम्हारी बारी आ गई, ठीक है? अगर सलार रात में उठ जाए तो असद क्या करेंगे? ऑप्शन, अनम को उठाएंगे कि ओ हो भाई संभालो, या फिर खुद सुला देंगे? खुद सुला देते हैं। सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। असद की अचानक ऑफिस की मीटिंग आ जाए और अनम को भी शॉपिंग पे जाना हो तो सलार के लिए क्या करेंगे? मीटिंग पोस्टपोन कर देंगे या कहेंगे तुम शॉपिंग पे नहीं जाओ भाई, अभी इसको संभालो मुझे जाना है मीटिंग में? नहीं कर देते हैं, डिले कर देते हैं। बिल्कुल सही, तुम लोगों ने क्या ये आपस में पहले कुछ नहीं नहीं देखिए हमारी बाउंडिंग है। गुड गुड गुड। अच्छा अगर अनम अचानक से असद से एक महीना अपनी अपने अब्बू के घर जाने की इजाज़त की फरमाइश करे तो ये क्या करेंगे? आराम से मान जाएंगे या फौरन कहेंगे नहीं भाई एक महीना तो नहीं रह सकते हम? फौरन कहेंगे एक महीना नहीं रह सकते आप, ये बोला होगा ना कि नहीं मान जाएंगे जी, मुझे बेपाच ना। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा था कि आना जाना मेरा, ये देखा ये सुना आपने, आना जाने का आराम से मान जाएंगे, मान जाऊंगा लेकिन आना जाना मेरा रहता है। वैसे ऐसा होता है कभी इजाजत मांगनी पड़ती है या तुम खुद ही नहीं जाती? नहीं मैं मतलब हाँ बताना तो पड़ता है, इजाजत तो लेनी पड़ती है, मैं ले लेती हूँ कहीं भी जाने की, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं नहीं होती, आराम से। हाँ क्योंकि सोच ले एक महीने की इजाजत दे रहा है, ये सोच ले इसके बगैर कैसे रहेंगे। हाँ ओके अगला सवाल, अगर अनम को असद अपना फोन चेक करते हुए देख ले तो क्या करेगा असद? पासवर्ड चेंज करेगा या जाके मजीद चेक करवाएंगे?
ये लो और कर लो और कर लो ये करता है हाँ ये लो और कहते हैं हाँ ले लो देख लो आप रख लो कहते रख लो बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही. अगर कोई घर वाला असद से अनम की शिकायत कर दे तो असद क्या करेंगे? असद अनम डायरेक्ट असद जो है अनम से डायरेक्ट पूछ लेंगे या घुमा फिरा के पूछेंगे कि कुछ ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था? नहीं मुझसे डायरेक्ट पूछ लेते. सही जवाब देखे अनम, मैं भी जीत अनम ने सारे जवाब दुरुस्त दिए. मैंने एक गलत दिया एक गलत ओके अच्छा भाई जो होता है ना एक घर में रेफरी होता है हर घर में एक रेफरी का काम होता है जो हर मामले को सुलझाता है. आप लोगों के घर में वो काम कौन करता है? जिसकी भी फड्डा हो सास ससुर का हो आपस में मियां बीवी का हो नन भावर भाई बहन. मैं बताऊँ कौन है? कौन अबू ये नहीं जब एरिया ये अच्छा, आ जाती है फैशन डिजाइनर क्रिएटिव माइंड. हां हां भाई ये तो फुल भाई बिल्कुल सेटल डाउन कर देती है नो डाउट. हां भाई स्पेशली आपको बुलाया जाता है कि भाई यार मामला सुलझ ये खुद ही आ जाती है. अच्छा बस करो बस करो. अच्छा एक होता है कि हर घर में हर तरह के वो लोग होते ना एक तो होता है मामले सुलझाने वाला एक होता है नहीं खाना यहाँ लगेगा यहाँ नहीं लगेगा वो घर में कौन है बताया बताओ बता. वैसे ये तो सब में ही चलती रहती है. हाँ आपको तो बहन भाई चलो तो आप बता देना वो तो बहू नहीं बता सकती ना बेटा बता दे वो नहीं होता. देखिए एक तो होता है ना मामला सुलझाने वाला और कहते हैं नहीं भाई खाना तो यहाँ नहीं लगेगा वहाँ लगेगा. नहीं भाई शादी भी तो लाल जोड़ा ही पहनेंगे. मेरा ख्याल ऐसा कोई भी ऐसा नहीं, नहीं, वैसे नहीं, नहीं इतना नहीं है मान लेते कोई भी नहीं है एक दूसरे के दूसरे की मुछ लेते तो मान जाते हैं. ज्यादा सबसे ज्यादा किसके मशवरे सुने जाते हैं घर में सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तो अब्बू के सुने जाते हैं. आप अच्छे मशवरे देते हैं बिल्कुल. और खाना पकाने के लिहाज से अगर मैं पूछूं किसके हाथ में सबसे ज्यादा टेस्ट है घर में? अम्मी. क्या भाई जबरदस्त. कौन सी वो होता है ना कि किसी की चीज़ें मशहूर होती हैं खानदान में कि भाभी के हाथ के पाए या पुलाव तो भाभी के हाथ का क्या मशहूर है पूरे खानदान में? मेरे तो जो मेरे ससुराल में सब बहुत शौक से खाते हैं मेरे हाथ. नहीं कोई खास एक मखसूस डिश पाए कोई निहारी कोई ऐसी की मम्मी के हाथ के पाए मुझे बहुत पाए अम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं. मेरा खानदान में दूर तक पुलाव पाए वाली चीज देसी जो इस तरह की है देसी बहुत अच्छी. लाइक अगर हम लोग खाने में ये मीट और इससे हटके भी बात करें तो हमारे यहाँ दाल बहुत अच्छी बनती है. अच्छा हमारे यहाँ कढ़ी बहुत अच्छी बनती है. कढ़ी हम इस तरह टाइप की बनाते हैं बहुत साग बहुत अच्छा बनाती है साग बहुत अच्छा बनता है. अच्छा आप लोगों का घरेलू फन टाइम क्या होता है? जैसे होता है ना कि कोई खुशी की खबर है कोई एक्साइटमेंट है तो कोई बाहर जाके सेलिब्रेट करता है रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं कोई घर में स्पेशली खाना पकाता है कोई दावत रख लेते हैं महफिल गजल रख लेते हैं सबको जमा कर लेते हैं अबू हमें बाहर लेके जाते हैं. अच्छा ये होता है फैमिली फन टाइम. अबू हमें हमेशा लेके जाते हैं कहीं भी कुछ भी हो वो कहते चलो मेरी तरफ से डिनर लंच. और आप सब लोग क्या शौक है देसी खाने का शौक है या किधर जाते हैं आप किस तरह? देसी 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 ज्यादा लेकिन प्रायोरिटी देसी. छोटे बच्चे हैं दो जो वो तो कॉन्टिनेंटल ये उनको छोटे छोटे आपके कितने हैं? दो और हैं. अच्छा बेटी है? नहीं इनका एक बहन और एक बेटी है इससे छोटी. अच्छा वो तो मुझे पता ही नहीं था. जी 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 जी. अच्छा पिक्चर भी है अभी बैंक में काम करते हैं तो उसकी वजह से उनकी मीटिंग्स वगैरह. अच्छा. सॉरी भाई मुझे आप लोगों को इतनी देर खड़ा रखना पड़ता है क्योंकि ब्रेक पे जाएंगे हम तो सोफे हम रखवाएंगे और फिर बिठाएंगे. जी सालार आपको कैसा लग रहा है आपकी सेलिब्रेशन आपके दादा दादी फुप्पू और मम्मा डैडी सब आपकी बातें कर रहे हैं मजा आ रहा है आपको सालार है भाई? जरा कैमरे में तो अपना पोज तो दे जरा आपकी पिक्चर खींचते हैं अब कर रहे हैं. हाँ भाई एक फोटो सेशन होना चाहिए हमारे जो फोटोग्राफर हैं उनको बुलाते हैं और फोटो सेशन होगा दादा दादी के साथ. देखिए अम्मा अब्बा के साथ तो होता रहता है लेकिन दादा दादी के साथ पोजेस के साथ फोटो सेशन होगा. दादा दादी ने फुल पोज मारने सलार के साथ. आओ भाई अली इस तरफ आओ इस तरफ इधर आओ इस तरफ. हाँ चलिए भाई सलार को दे दादा दादी को लाएंगे मुझे पकड़ा दे अपना ये फुल पोजेस होने चाहिए दादा दादी ने खुद फुल क्रिएटिव. आप चाहे तो आप उनको गाइड भी कर सकती हैं क्रिएटिव लोग जरा गाइडलाइन दे सकते हैं ना तुम भी बता सकते हैं ऐसे पोज मारे. तो भाई ये दादा दादी और सलार के पोज है किस सलार के उधर जाके ना पहले वो करना पड़ेगा. सलार देखो सलार ये किसकी फसल की सलार ये देखो आपको ये देखो इसको ब्लू ये होता है ना बच्चों को देखो इस तरह ये देखो
अम्मी साथ करीब आ जाएं थोड़ा। देखिए ये तस्वीर खींच रही है। ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी। ओए होए, हां वेरी नाइस। तो पप्पी करते हुए एक किस कर ले दोनों। ये दोनों ओए होए 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 पूरा फोटो सेशन। ये देखो इधर, ओए होए, ये देखो। हेलो, और इसी बात के साथ मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ अनम फयाज हैं आज अपने सालार, अपने असद और अपने सास ससुर और नंद के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मोहम्मद सालार साहब की हम 6 महीने होने की जो है दावत सबको दी है और ये फेस्टिविटी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अनम फयाज, असद और उनके ससुराल वालों के साथ। बड़े मज़े का एक एक्टिविटी होने वाली है। सालार को मुझे दे दे क्योंकि अब क्या करना है आपने, यहाँ ये जो अलग अलग रखे हुए पूल्स, इसमें बॉल्स हैं और बॉल्स के अंदर सालार की पिक्चर्स के पजल हैं। ये देखिए दादा दादी को भी मैं खिलवा रही हूँ और मैं ये लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हर एक्टिविटी में दादा दादी भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग फ्रेम्स हैं जिसमें आपने सालार की पिक्चर्स का पजल कंप्लीट करना है। चलो सालार, हम बैठते काम पे लगा देते तुम्हारे घर वालों को, है भाई सही है? तो जो है भाई ये वाली जो पिक्चर है इसका पजल इस वाले पूल में है, दूसरी वाली पिक्चर जो है उसका बीच वाले में है और तीसरी वाली पिक्चर का उधर। तो आप लोग अपनी अपनी मर्जी से पजल चूज कर लें और आइए जी अपने जी सालार का पजल। मिस्टर सालार, फिर हम भाई ये तो ये फूफा जी गेम दादा दादी पर सब रहे नहीं तो शायद जीत भी जाते आप लोग, है ना? इसका मैग्नेट वीक है जो जीत दे दो ना अम्मी अब्बू को। हाँ हाँ अम्मी अब्बू जीतने वो हमारे आ जाए भाई आ जाए। हाँ जी अच्छा अब बड़ा अब ये उठवा लें, ये उठवा लें ताकि हम सुकून से बैठ के बात कर सकें। हाँ ये उठा लो उठा। हाँ जी अच्छा ये इसको इसका जो पहला गिज़ा है माशाल्लाह अनम, वो क्या खिलाई आपको, आपने क्या दी इसको?
पहली गिज़ा? अम्मी ने ना हनी से शुरू किया था. अच्छा, शहद से? शहद से. अम्मी कहती है हनी सबसे पहले शुरू करो. हाँ. फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो हम लोग खाते थे वो हल्का हल्का चटा देती थी, जैसे कि आलू है, मैश पोटैटो, वो चटा दिया. ये इनका फेवरेट है डोनट. हाँ. अभी तक फेवरेट. अच्छा. हो गया इनका. ओहो, तो वो ये इस तरह की चीजें, चावल वगैरह पीस के मैं बिल्कुल पीस देती हूँ. हाँ. सारे वेजिटेबल्स भी ऐड कर देती हूँ. अच्छा. मिक्स कर देती हूँ, चीज डाल देती हूँ. हाँ. करके कुछ ना कुछ. नो, तो ये तंग तो नहीं करते ना? नहीं नहीं नहीं. शौक से. सबसे ज्यादा किसके हाथ से इनको खाना पसंद है? दादी. अच्छा, अब कुछ सवाल करूंगी मैं, उसके आपने 3 सेकंड के अंदर ना जवाब देने, ठीक है? सॉरी, 5 सेकंड के अंदर जवाब देने. और मैं जो सवाल करूंगी, जब 5 सेकंड हो जाएंगे तो ये तो बड़े बहुत बहुत ज्यादा इसकी आवाज है, ये बजर है. ठीक है. ओके, पहला सवाल, सालार को पुकारने के कोई 3 प्यार वाले नाम जो आप लोग पुकारते हैं. बहुत सारे हैं. मैश पोटैटो, डोनट, जानू बाबा. 5 सेकंड तो नहीं हुए थे, मुझे बताओ तो सही कोई. मुझे इल्हाम थोड़ी होगा. मैश पोटैटो, डोनट, डोनट, जानू बाबा. वाह भाई वाह भाई, मेरी हैप्पी डोनट है. हैप्पी डोनट. ओके, नेक्स्ट सवाल, आप लोगों के घर में, ये मैं किससे पूछूंगी, आपसे पूछती हूँ, ठीक है? ये आपसे सवाल है, तो सर से सवाल है अनम के, कि घर में कोई 3 चीजें जो हमेशा पकती हैं और पकती आ रही हैं सदा से आप लोगों के घर में? दाल, आलू गोश्त और बैंगन. दाल, आलू गोश्त और बैंगन. वाह भाई, आप लोग तो सब्जी खो रहे हैं. दाल, आलू गोश्त और बैंगन. अच्छा, ओके, नेक्स्ट. अच्छा अनम, अब ये तुम्हारा इम्तिहान है. अच्छा, ओके. कोई भी 3 ससुराली रिश्तेदारों के नाम. अच्छा, लुबना खाला, नाजी आंटी. बस तीसरा नाम नहीं आया मुझे. इनका ही नाम ले देती, किसी का भी नाम. अच्छा, मुझे लगा था सर दूसरे ससुराली रिश्तेदार. ये अनम फेल हो गई क्योंकि अब आज तक भी शादी के इतने साल बाद जब मेरे किसी भी ससुराली रिश्तेदार से यासर मिलवाते तो कहते निदा मेरे को ये वो है. मैंने कहा दूर का तो शादी भी था. मुझे याद करना पड़ता है, ये सब करीबी सही है. ये ले लो. हाँ. अच्छा, अगला अगला सवाल. अच्छा, ये मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है? अब्बा से सवाल है, सालार के अब्बा से. सालार के रोने की कोई 3 वजूहात? भूख, प्यास और खेलना. भूख, प्यास और खेलना. नहीं, हम पॉटी भी हो सकती है हमेशा. बच्चा तब भी डायपर गंदा करता है. मतलब जो सेक्शन है ना वो इनका है, तो उसको ही जाता. ओके, अगला सवाल. घर, ये मैं आपसे कर रही हूँ, नहीं बल्कि इनसे नहीं करनी, तुमसे करती हूँ सवाल. घर के सौदे में कोई 3 चीजें, लाजमी चीजें. हाँ, ये खिलाती है. चावल. हाँ. और घी. चीनी. ओके, 5 सेकेंड. हाँ, 5 सेकेंड तब मुझे बहुत मजे की लग रही है. ये एक्टिविटी अपनी अपनी सी लग रही है बहुत. ओके, अगला सवाल, किसके गुस्सा करें? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये मैं किससे पूछूं? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे अलग अलग वजूहात सब बताए अगर. अच्छा. या तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है? आपसे रिलेटेड, असद की गुस्सा करने की कोई 3 वजूहात? इसकी, असद, असद की गुस्सा करने की? भूख बर्दाश्त नहीं है. एक. हाँ, एक ये. जल्दी 5 सेकंड में. और नींद, नींद में ये. ओके. इसको नींद आ रही है. दो बताएं. ओके, दो बताएं. आप अनम तुम बताओ, असद की गुस्सा करने की कोई 3 वजूहात? भूख. हाँ. और यही नींद पूरी ना हो और मट्टी वट्टी लगी. चीटिंग नहीं करनी थी सातों की. नहीं, ये तो बहुत जरूरी चीज है. मेन सब यही. आपके सामने तो आपकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि गुस्सा करने की. नहीं, करता है, करता है. लेकिन बड़ी झाड़ पिटती है ना. अच्छा, ये सही है, ये जरूरी है, ये जरूरी है. अच्छा, अब मैं असद आपसे पूछ रही हूँ, अनम के गुस्सा करने की कोई 3 वजूहात? 5 सेकंड का टाइम है. रेडी, गेट सेट, गो. बताओ. मतलब के मियां आज ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी बीवी के गुस्सा करने की वजह मैं नहीं करती. इसका मतलब देखिए, गुस्सा करती नहीं है ये. करती बहुत कम, कभी. अच्छा चलो, एक और सवाल. कॉमन नहीं है. अनम का, अनम के आंखों में आंसू आने की कोई 3 वजह? चलो, मुझसे नाराजगी अगर मैं बात करूं. जल्दी 5 सेकंड का टाइम है. दूसरा, शॉपिंग पे ना लेके जाऊं. और सही है. या फिर कोई इमोशनल मूवी, ड्रामा.
इमोशनल मूवी या ड्रामा उस पे आती हूँ, रो जाती हूँ मैं, लिटरली रो जाती हूँ. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. अच्छा आपके जमाने की कोई आपकी फेवरेट हीरोइन, फिल्मी हीरोइन आपके जमाने की, तीन हीरोइन, रानी, फिरदौस, नगमा. और आप अपने जमाने की बताएं कोई असद फेवरेट हीरोइन है, तीन, दीपिका और करीना. दिमाग कैसा चल रहा है? करिश्मा, करिश्मा लाइक अनम की याद नहीं थी क्या? अनम को गुस्सा किन बातों पे आता है? करीना, करिश्मा, दीपिका यार. मतलब ये ऐसे ही है. सही है भाई. अच्छा चले, अनम के शक करने की कोई तीन वजूहात? शक नहीं करती है. ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं करती. चले आप बताएं आपकी बेगम के शक करने की कोई तीन वजूहात? ये तो करती नहीं. ये तो कोई मसाले वाली फैमिली नहीं है. बिल्कुल ही नहीं करती. अच्छा, ऐसे छोड़ा हुआ जंगल में. अच्छा रिश्तेदारों से नाराजगी की कोई तीन वजूहात आपको क्या लगती है बुरी? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रिश्तेदारों की कोई बात बुरी लगती है जिससे आप नाराज हो जाती हैं? तीन वजूहात. तीन वजूहात. हाँ मैं बस वो गॉसिप जो उल्टे सीधे में और लड़ाई, फालतू की लड़ाई, उसमें मैं नहीं जाती. अच्छी और तीसरा दस सेकंड ले लिया आपने. मिसकमिटमेंट करना. ओके पूरे के पूरे 10 सेकंड में जवाब. अच्छा कौन सी ऐसी जगहें हैं तुम बताना कि अनम वहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है? कोई तीन जगह. नंद बताएंगी भैया. शॉपिंग मॉल. ओके ठीक है. डिनर. ओके और उसके अलावा कॉफी. ओके भाई जबरदस्त. अच्छा जो अब मैं तुमसे पूछूंगी अनम, अपनी नंद के हवाले से, ये वाली नंद और जो दूसरी नंद है वो तो घर में है ना, जो इनकी तीन खास बातें जो इनको बाकी सब ससुराल वालों से मुनफरिद रखती है वो कौन सी बातें? लविंग, केयरिंग, फ्रेंडली. ओके ऐसे होता है, फॉरेन सोचते हैं ऐसे, फॉरेन सोचते हैं. ओके भाई जब एक साथ बर्तन होते तो खड़कते भी हैं, तो कोई तीन झगड़े किसी किसी बात पर, तीन झगड़े बहुत छोटी छोटी चीजों पे हो जाते हैं हमारे. जैसे याद नहीं है नाम, क्या बोलूं मतलब. झगड़े हम दोनों की बात कर रहे हैं? नहीं सबके, किसी के भी हो सकते हैं. नानम के किसी से भी, मतलब सास से भी हो सकते हैं, नानजी साथ रहते बहन भाई होते हैं, अल्लाह का शुक्र. अम्मी अम्मी से भी हो जाते हैं. नहीं मुझसे हो जाते हैं सबके, लेकिन इनके आपस में नहीं होते. आपस में होते ही बहुत ऐसे हैं कि कभी ध्यान नहीं दिया, वैसे ज्यादातर होते ही नहीं, होता ही नहीं. क्या हुआ तो? अच्छा चले आप अपने बता दें, अनम और असद के बता दें तीन तीन बातें झगड़ों वाली. झगड़ों वाली तीन बातें याद नहीं होगा? नहीं है वैसे, है नहीं, झगड़ा होता नहीं. अल्लाह ये तो पीस है. अब ये झगड़ते हैं ये वाले. हाँ ये झगड़ते हैं. अच्छा इनके आने के बाद ना इन छोटू के तो हम बिल्कुल ही काम हो. अच्छा हर कोई अलग अलग बातों से खुश होता है, ये मैं पूछती हूँ ससुर से पूछती हूँ. अनम ससुर, अनम की खुश होने की कोई तीन वजूहात? एक तो डिनर पे लेके जाना और मूवी और तीसरा कॉफी वगैरह. हाँ तो ये भी सेम, उनके पास जाने की चीजें और सेम खुश होने, खुश हो जाते हैं. वाह भाई जबरदस्त. खाना बनाओ फिर भी बहुत खुश हो. अच्छा क्या खाती हो? शौक में सब खा लेती है, जो चीज बनाए बहुत शौक से खाती है. अच्छा हमारी सारी फैमिली शौक से खा लेती है. अच्छा देखिए हर हर किसी में अच्छाई बुराई सब होती है. अगर मैं पूछूं अनम की बेस्ट बातें क्या हैं, एज सास आप क्या बताएंगी, एज नंद आप क्या बताओ? बेस्ट बातें. हाँ बेस्ट बातें, कोई बेस्ट बात है अनम की जो उसको डिफरेंट दूसरी बहुओं से मुख्तलिफ करती है, मतलब जो आप लोग देखते हैं आसपास. सबसे पहली कि ये ससुराल और मायके उनका डिफरेंस उसको पता है. अच्छा सो वो मेंटेन रखती है. हाँ और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है. हाँ सेकंड कोशिश करती है पकाने की. हाँ और पूछती है, इन्वॉल्व होती है और उसके अलावा. लेकिन आता नहीं है. नहीं आता है, थोड़ा बहुत अब शुरू कर रही है. अच्छा शुरू करती है लेकिन अच्छा बनाती है. टेस्ट अच्छा है हाथ में, टेस्ट हाथ में शुगर यही है, हाथ में सीख भी जाए हाथ में टेस्ट ना हो तो बड़ा मसला. और थर्ड ये कि ये कभी अलग नहीं रहती हमसे. हाँ. इसका खुद का दिल ही नहीं लगता. हाँ. ये जोड़ के रहने वाली यानी ये फर्स्ट पोर्शन पे रहती हैं. अच्छा. हम सेकंड पे. हाँ. तो ऊपर ही रहती हैं, ऊपर ही आती हैं, नीचे रह नहीं पाती है. अच्छा और आपसे अगर पूछूं एज अ सास,
आपकी बहू की तीन खास बातें। मेरी बहू ऐसी बहुत अच्छी है, घर में आती है, घुल मिल के रहती है, ख्याल रखती है हमारा। हाँ। तो ये केयरिंग है और अप्रिशिएट बहुत करती है हर चीज में। कोई एक आदत जो आपको लगता है हमको यार ये चेंज कर लो तुम भाई अपनी आदत? अच्छा मुझे सिर्फ ये कि ये जो शॉपिंग है ना इससे मैं कहता हूँ कैमरा उधर है शॉपिंग की, हाँ शॉपिंग जो है ना वो बेसिकली खत्म कर कम कर देनी चाहिए। आप भी सारी जिंदगी यही ख्वाहिश करते रहे इनके लिए, तो इनको पेमेंट कर देता हूँ और जाओ जाके जो लेना है। जब हम इनके ये होते नहीं है ना उस वक्त जाती हूँ, जब ये घर में आ जाते हैं ना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है निकलना। हम लोग वेट करते हैं, हमको करना टूर होता है ना हर जगह इधर उधर, फिर और मम्मी कहती है पार्टी और हम निकलते हैं फिर। नहीं मैं इनको सबको डांट रही होती हूं जो फोन है ना हर 5 मिनट के बाद फोन हो रहा होता है कि आप हो कहां पे मुझे ये बताओ जल्दी आओ। ये जरूर, और मैं इनको डांट रही होती हूं जल्दी निकलना था जल्दी आना, जल्दी चलाओ इनको, फिर इनको गुस्सा आ रहा होता है ड्राइव करते हुए। फिर हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं कि एक तो एक अब एक फोन आ जाए ना अब्बू का बस, फिर मम्मी तो हम बहुत सारी चीजें के विजिट का इंतजार करते हैं, कहीं विजिट लगे तो फिर हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा भाई आदत तुमने भी बताना है कि असद की कोई एक बात जो असद ये वाली आदत चेंज कर ले। गुस्सा, अच्छा इससे सब परेशान अभी भी करते तो है मुझे तो पता भी नहीं चला, कैसे खामोश गुस्सा होता है अभी किया ना, अब कहाँ आता है अब तो कम हो गया काफी हो गया। सलार की वजह से मैं नहीं करता ताकि सलार पे ना बुरा इंप्रेशन ना पड़े, असर ना पड़े, वो भी गुस्सीला हो जाएगा। मैं नहीं सही हो जाएंगे होते हैं सिक्योरिटी में ऐसे बाद में। अच्छा वैसे दोबारा बताए ना, अब आपने अपनी शादी पे बताया था कि आपने क्या एजुकेशन लिया और क्या करते हैं, वो बताए रिपीट करें ना बात, लोगों को भूल रहे होंगे ना सलार के अब्बा क्या करते हैं। अच्छा मैं क्या कल को सालार का रिश्ता लेने जाएंगे तो क्या बताएंगे? नहीं बेसिकली मेरा जो प्राइमरी काम है मेरा आईटी से रिलेटेड। अच्छा। वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस और लोगोज ये डिजाइनिंग का डिजाइन एंड डेवलपमेंट से ताल्लुक है बेसिकली आईटी में। अच्छा। उसके अलावा सेकेंडरी जो काम है वो बेसिकली गाड़ियों की डिटेलिंग का है। अच्छा। कार डिटेलिंग का, सिरेमिक कोटिंग, ग्लास कोटिंग। अच्छा। ये सारी गाड़ियों का। तो कभी काम के हवाले से तुमसे तो कोई बात तुम्हें तो समझ नहीं आती होगी? जी मुझे नहीं आती है। आईटी से रिलेटेड घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा बहुत अब्बू जानते हैं, मेरा ये है कि मेरा सेल्स से वास्ता है। तो जब आप लोग बैठते हैं खाने की टेबल पे तो गुफ्तगू क्या होती है? गुफ्तगू आईटी में भी एक सेल्स का दारोमदद है। तो आप लोग न्यूज के ऊपर बात करते हैं? मुझे खबर दे देती है गुस्सा भी करती है कुछ गलत हो रहा है, अम्मी इतना गुस्सा हो जाती है, अब्बू कहता है आप टीवी में थोड़ी आप तो उस पे फिर ये कहती है कि किस तरह के लोग हैं, क्यों इस तरह कर। आपको सब पॉलिटिशियन वगैरह के नाम पता है? हाँ, जी की चीज लंडन अम्मी है भाई। वरना अम्मी ज्यादातर कुकिंग शो देख रही होती है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्योंकि हमने एक बहुत क्यूट सा केक डिजाइन किया है जी, जो हमारे मोहम्मद सालार साहब है उनके लिए 6 महीने के हो गए, तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है आधे केक काटने का और वो हम सब मिलकर केक काटेंगे सालार का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है जिसके बारे में मुझे पता चला है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तानी रिसर्चर्स ने बैक्टीरिया का हल निकाल लिया है और ये न्यूज़ 1 अक्टूबर को अनाउंस भी हो जाएगी। और उसके लिए ये देखिए, इस अहम न्यूज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये खबर इस साल की मायूसियों को खुशखबरी में बदल दे इंशाल्लाह। तो अब हमें इंतज़ार है बेचैनी से 1 अक्टूबर का, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, और साथ साथ इस तक बताती चलूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम आपको मैं दिखाऊंगी, पहले मैं आपको दिखाऊंगी फिर मैं फैमिली को दिखाऊंगी कि हम क्या करने वाले हैं। मैं इस तरफ आ जाती हूँ, सारा सेटअप आप देख रहे हैं, ये इवेंट प्लानर जो हैं अक्सा मलिक है इसकी और उनकी कंपनी का नाम है फेस्टीज, और साथ जो डिज़र्ट है यानी केक जो भी मीठा यहाँ पे रखा है वो फ्लेवर्स बाय बी की तरफ से हैं।
बहुत ही क्यूट सा ये 6 महीने वाला केक है और ये आधा केक होता है, ये आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी मोहम्मद सालार के साथ, जिनको दुनिया में आए हुए अभी माशाल्लाह से 6 महीने हुए हैं जी। रेडी हो जाए आपका, हम केक काटने जा रहे हैं। हाँ भाई, अब आप केक खाइएगा। इनको डोनट खाने का शौक है बहुत, और मीठा बहुत पसंद है। इसके अभी क्या प्लान किए, लाइक इसकी फर्स्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगे? हम सोचा वही प्लान कर रहे हैं, कभी यहाँ कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, ऐसे बुला लेते हैं, अभी तक चल रहा है, प्लानिंग चल रही है। पता ना, जब पहला पहला बच्चा होता है तो सब सोचते हैं अच्छा ये करेंगे, बलाना करेंगे, धमाका करेंगे। तो आप लोग अभी अभी इन प्लानिंग कर रहे हैं, पाइपलाइन में। ओके, रेडी हैं आप मिस्टर सालार? चले हम लोग आपका केक काटने के लिए। ओए होए, अब आप केक खाइए। चले जी, हम आप उस तरफ चलते हैं और ये सालार के दिन को यादगार बनाते हैं। चले आइए। कौन से दिन पैदा हुए थे माशाल्लाह, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2nd of January। सिर्फ 1 महीने बाद कोरोना आ गया जी और आप घर में कैद हो गए। आइए प्लीज आइए। आप केक ना 6 महीने हुए ना अभी इसको, okay. तो पैदा हुए हुए थे। सी हाँ, आ जाए आप इस तरफ, आ जाए जी, आ जाए। अम्मी अबू भी अच्छा। वैसे मैं जब ये लोग आए थे तो मैं इनसे पूछ रही थी, आ जाए यहाँ सामने। हर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना कि हमारा बच्चा ये बने, हमारा बच्चा बने। तो दादा दादी की भी तो कोई ख्वाहिश होती होगी कि काट सलाद ये बन जाए ना तो मज़ा आ जाए। तो दादा क्या सोचते हैं, दादा की क्या ख्वाहिश है? ये माशाल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि ये पाकिस्तान का सिपा सालार बने। माशाल्लाह, फोर्सेस में आपका मूड है, इसका नाम ही इसलिए रखा। और दादी क्या सोचती है? दादी कोई पॉलिटिशियन तो नहीं बनाना चाहती? इसको फौजी बनाएंगे। अरे वाह माशाल्लाह। और अम्मा अब्बा भी यही सोच रहे हैं? बिल्कुल, तो सही वाला नाम रखा है। तुम कुछ कुछ सोच रहे हो? एक्चुअली हम लोग यही सोचते हैं शुरू से ही। हाँ, इसको हमने आर्मी या इस तरह फोर्सेस चीफ ऑफ आर्मी वाह वाह भाई जबरदस्त। ये प्रोग्राम यादगार रहेगा इसके लिए। ये इसका पहला टीवी अपीयरेंस है माशाल्लाह, और ये इसके लिए डीवीडी आपको मिलेगी, यूट्यूब पे भी रहेगा। तो ये जब बड़े होंगे सालार का आप देखिएगा, पता नहीं हम कहाँ होंगे उस वक्त, लेकिन सालार ये आपके दिन यादगार रहेंगे। तो चलिए भाई केक काटते हैं। आजकल ये बड़ा ट्रेंड हुआ है, 6 महीने बाद जो एक आधा केक होता है और वो काट किया जाता है। अचार तो नहीं चटा चुकी हैं अभी तक आप? सब चटाती हैं? वाह, हम खाना खाते हैं। अच्छा, ताकि फिर वो होता है ना कि कुछ बच्चे वो बाद में अब्सॉर्ब नहीं कर पाते वो चीजें। ये सबसे अच्छी है। अच्छा भाई, कोई टिप्स दादी और दादा वाली टिप्स जो है ना, वो जो दूसरे दादा दादी देख रहे हैं उनको कोई टिप्स दे छोटे बच्चे के हवाले से, कि कोई टोटका कोई क्या, जैसे बच्चे की पेट खराब हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं? इसका पेट तो हम कोशिश करते हैं कि ना खराब हो। हाँ। खराब हो तो फिर जाहिर सी बात है दवाई वगैरह ही देते हैं। अच्छा, वो तो नहीं तो टोटकी करते ना, मैदे का पानी और ये वो? नहीं, मैं टोटके नहीं। आप वो नहीं करनी? और वो होता है कि नहीं किए तो इनके केयर ज्यादा कर लेते हैं। केयर करते हैं थोड़ा। वो आप लोग क्या होता है, सर बिठाना और वो पूरा तकिया अच्छा बिठा रहा है, अच्छा बिठा ये वाला चीज ये तो होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का।
बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. थैंक यू निदा. हाँ जी, हम आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू एयरवाइज. नहीं मतलब ये भी बिल्कुल फैमिली की तरह है. हम और बिल्कुल है ना कि आप लोगों की जब खुशियाँ सेलिब्रेट होती है. तीन चार मरतबा आ चुके हैं और स्पेशल ओकेजन पे यही है. हाँ हाँ बिल्कुल, वो पैकेजेस भी हैं और आप लोग बिल्कुल नहीं बदले. जैसे आप लोग शादी के बाद आए थे माशाल्लाह से, वैसे ही अभी हमने तस्वीरें चलाई है. सबूत आपके सामने हाजिर है कि देखिए ऐसे ही मैं लड़कियों को ये कहती हूँ कि बच्चों के बाद भी अपने आप को ऐसे ही फिट. अब्बा तो फिट होते ही, लेकिन कुछ अब्बाओं की टोन भी निकल आती है. लेकिन क्रेडिट बोर्ड मतलब असद ने भी अपने आप को मेनटेन रखा है. तो बच्चियों को मैं यही कहती हूँ कि बच्चे के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती जो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं. अना माशाल्लाह वैसी हैं और आपको कुछ दिनों बाद ड्रामों में भी नज़र आएंगे. अभी भी काम कर रही हैं और सपोर्टिव ससुराल है, तो माशाल्लाह ये दोबारा आपको ड्रामों में कुछ ही दिनों में नज़र आएंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का. हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके. हमें बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हम पहली दफ़ा है ना. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. उम्मीद है दादा दादी फुप्पो खाला नानी सबको और अम्मा अब्बा तो जाहिर है सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. दुआएं देते जाइए भाई मोहम्मद सलार साहब को और कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो और ये भी किसी फोर्स में कोई बहुत अच्छा नाम बनाए. आमीन सुमाम. खुदा हाफिज़. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. थैंक यू. थैंक यू.